करनाल के रहने वाले 12 वर्ष के जयवीर मक्कड़ ने दिल्ली में आयोजित घुड़सवारी प्रतियोगिता में 3 गोल्ड मेडल हासिल कर करनाल और अपने परिजनों का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चमकाया है। जयवीर पिछले करीब 6 वर्षों में इस खेल में अपने हाथ आजमा रहे हैं। वह अभी तक कई राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग ले चुके हैं और कई मेडल भी जीत चुके हैं। दिल्ली में आयोजित इस प्रतियोगिता में 45 फाइनलिस्टों में से जयवीर ने 1.5 मिनट के इस खेल में सभी को पछाड़कर 3 गोल्ड हासिल किए। आपको बता दें कि हरियाणा और पंजाब में अकेले जयवीर ने ही ये मुकाम हासिल किया है। इस प्रतियोगिता में देश भर के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। जयवीर ने बताया कि इस खेल के लिए वह दिन रात मेहनत करते हैं। इसके लिए कर्नल सरप्रताप उनके कोच हैं, जिनकी देखरेख में वह अभ्यास करते हैं। फिलहाल जयवीर देहरादून में रहकर अपनी पढ़ाई और खेल को जारी रखेगा। करनाल से तरुण मदान की रिपोर्ट। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और मैं देख रहे समाचार एक्सप्रेस में। आपको बता दूं कि मैं इस समय आपको मिलवाना चाहूंगा करनाल के एक ऐसे जूनियर घुड़सवार से जिसने देश भर के सभी खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए दिल्ली में आयोजित एक प्रतियोगिता में 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। इनका नाम है जयवीर। ये शहर के जाने माने व्यवसायी पुनीत मक्कड़ और हरीश मक्कड़ जी के पोत्र हैं। जयवीर जी, सबसे पहले आपका स्वागत है समाचार एक्सप्रेस में। थैंक यू जयवीर जी। मैं एक बात जानना चाहूँगा, जो आप घुड़सवारी कर रहे हैं, जो प्रतियोगिता या जो गेम आपने चुनी है, ये एक जोखिम भरी भी है, एक दिमाग भरी गेम भी है। इसको आप कैसे मैनेज करते हैं? इसको हर रोज मैं सुबह शाम प्रैक्टिस करता हूँ, स्कूल के बाद और इवनिंग में। और अभी ओके, ठीक है, मैनेज हो जाती है गेम ये, इसलिए मैं हर रोज़ प्रैक्टिस करता हूँ। और स्टडीज़ को थोड़ी होती है कॉम्प्रोमाइज़ करना स्टडीज़ के लिए। सर, आप कितने सालों से इस गेम्स में हैं? इस गेम में मैं 5 साल से खेल रहा हूँ। और मौजूदा समय में आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 7th। 7th में अब आप देहरादून में दून स्कूल में जाने वाले हैं। तो सर, इस गेम के अंदर ये जो हमने पता चला है, जितनी हमें जानकारी मिली है, कि इस गेम के अंदर मिनिमम टाइम होता है, मिनिमम टाइम के अंदर आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, इसमें कितना टाइम होता है? इसमें 1 मिनट 30 सेकंड्स। तो कितनी मतलब पोल्स को आपको बिना गिराए आपको जंप करना पड़ता है? 10 क्लियर करने के बाद ऊपर से कॉल आती है कि आपको इन इन पोल्स को, इन इन जंपर्स को जंप करना है विदाउट पोल को गिराए हुए। तो उस समय आपको दिमाग के साथ साथ आपको अपने घोड़े पर भी काबू करना पड़ता है। उस स्थिति को आप कैसे संभालते हैं? पहले मैं कोर्स को देखता हूँ, पहले मैं सोचता हूँ क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, और थोड़ा फास्टर करना होता है इसलिए टाइम ज़्यादा कम होता है उसमें वो डिसाइड करता है कौन मेडल लेगा। सर, कभी ऐसा हुआ कि ट्रेनिंग के दौरान या प्रैक्टिस के दौरान कभी, क्योंकि घोड़ा भी एक जानवर है, कभी ऐसा हुआ, कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हुआ कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो घोड़ा बेकाबू हो गया और आप इंजर्ड हो गए, ऐसा कभी वाक्य न करे, कभी ऐसा हुआ? हो रखा है 2-3 बार, पे लगती है काफ़ी। हाँ, हॉर्स आउट ऑफ कंट्रोल काफ़ी बार जा चुका है। देखिए, ये जयवीर जी हैं जिन्होंने विस्तार से बताया किस तरह से एक घोड़े को, इन्होंने घोड़े को काबू करके उसके साथ साथ अपनी दिमागी शक्ति को इस्तेमाल करते हुए इन्हें उस गेम को जीतना था। इस गेम को जीतने के लिए मैं आपको बता दूं कि पूरे भारतवर्ष से खिलाड़ी आए थे, उनमें से 45 फाइनलिस्ट में से ये थे और हरियाणा और पंजाब में से अकेले जयवीर हैं जिन्हें पहली बार इन्हें नहीं, हरियाणा और पंजाब को पहली बार ही गोल्ड मिला है। एक नहीं, 3 मिले हैं। मैं बात करने का प्रयास करूँगा इनके, मेरे साथ मौजूद हैं जयवीर जी के फादर पुनीत मक्कड़ जी। मक्कड़ साहब, बच्चे को गेम्स में आगे ले जाने के लिए पेरेंट्स को बहुत सारा सेक्रीफाइस करना पड़ता है जी, आपने क्या क्या सेक्रीफाइस किया? इसको हॉर्सेस दिलाए, स्टेबल करवाए चंडीगढ़ में, और इसके जो टीचर हैं कर्नल सरप्रताप, उनके अंडर इसकी ट्रेनिंग कराई। सर, कभी आपको ऐसा लगा कि घोड़ा बेकाबू हो गया, बेटा चोटिल हो गया, कभी आपके मन में हुआ कि यार मैंने गलत निर्णय तो नहीं ले लिया इस गेम में डाल? नहीं नहीं, ये सारे ट्रेंड हॉर्सेस होते हैं पहले से, इसके ऊपर जितनी ट्रेनिंग करी जाती है फिर कॉम्बिनेशन बन के खेला जाता है। दे आर नॉट वाइल्ड हॉर्सेस, मतलब हॉर्स को पहले ट्रेन किया जाता है कि वो चोट नहीं मारेगा, उसको डोसाइल किया जाता है, उसके बाद बच्चे को बिठाया जाता है फॉर गेम। सर, आपने जयवीर को मोटिवेट करने के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस किया होगा? इसकी ट्रेनिंग करवाई ज़्यादा से ज़्यादा जाके, इसकी मेरठ में कराई, गुड़गांव में कराई और चंडीगढ़ में कराई। चंडीगढ़ में रूटीन में करता है, बाकी गुड़गांव में और मेरठ में वंस एंड
ईयर। सर अब ये देहरादून जा रहे हैं सेवन्थ क्लास में, इनका एडमिशन हो चुका है, तो वहाँ भी क्या ये गेम कंटिन्यू करेंगे? नहीं, वहाँ पर स्टडीज़ तो मस्ट हैं, पर उसके बाद इसको 3 से 4 महीने का ब्रेक है वहाँ पर, उस 3-4 महीने में ये अपनी ट्रेनिंग करेगा। देखिए, ये थे हमारे साथ जयवीर के फादर पुनीत मुखर्जी, जिन्होंने बताया कि सबसे पहले इन्होंने अपने बेटे को हॉर्सेस दिलवाए, लगातार जहाँ पर उनकी ट्रेनिंग थी, ट्रेनिंग दिलवाई कर्नल सर प्रताप जी के सानिध्य में, उन्होंने ट्रेनिंग ली है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि पहले घोड़ों को ट्रेंड किया जाता है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जयवीर के दादाजी हरीश मुखर्जी, जाने माने करनाल के व्यवसायी हैं। मुखर्जी साहब, सबसे पहले आपको समाचार एक्सप्रेस की तरफ मुबारकबाद, आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? मेरे लिए तो बड़ा ये खुशी का पल है कि मेरे ग्रैंडसन 3 गोल्ड मेडल लेके आए हैं और पूरे हरियाणा का, पूरे पंजाब का, पूरे इंडिया का नाम रोशन किया है। ये जो घुड़सवारी की ये गेम है, ये बहुत मुश्किल गेम है, तो ये इसने ये पार्टिसिपेट किया, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। सर, इसका श्रेय किसको देते हैं? इसका श्रेय इसके नाना जी हैं करनाल दहिया, मैं उनके इनकी इसकी मम्मी को अनिशा को, अनिशा मक्कड़, पुनीत मक्कड़ को श्रेय देता हूँ, जिन्होंने इसको ये हॉर्स राइडिंग सिखाया और जिससे आगे चला गया। ये थे हरीश मुखर्जी, जिन्होंने बताया कि कैसे यह आज अपने आपको गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इनके पोतर ने हरियाणा पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है, करनाल में, करनाल का नाम पूरे देश में रोशन किया है। एक साथ 3 मेडल लगातार इस बच्चे ने जीते हैं, आगे भी गेम ये कंटिन्यू करते रहेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष, जो कि स्पेशल तौर पर इस बच्चे का मान बढ़ाने के लिए आए हैं, उसे जगमोहनानंद जी, आप क्या कहना चाहेंगे बच्चे ने? जैसे हमें कल पता लगा कि भाई इस प्रकार से हमारे परिवार है, हरीश मुखर्जी जी है, उनका हमारा पुराने से संबंध है, तो उनके पोते ने इस प्रकार की, पुनीत के बेटे ने इस प्रकार की उपलब्धि हासिल की है। और दानवी राजा करण की धरती है और राजा करण के नाम से जानी जाती है, और यहाँ पर कई इस प्रकार की प्रतिभाएं हैं, कल्पना चावला जिन्होंने पूरे विश्व में नाम रोशन किया, और उसी परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए जयवीर मक्कड़ ने इस घुड़सवारी में 14 साल से अंडर 14 के अंदर इस प्रकार से जो करनाल का नाम रोशन किया। ये बच्चे को हम लोग आज शहर के सभी अपना मौजूद लोग यहाँ पर आए हैं उनको आगे पुशअप करने के लिए, कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मतलब ये गेम ऐसी है कि भी आप क्रिकेट खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, वॉलीबॉल खेल सकते हैं, लेकिन ये घुड़सवारी है, इसमें अपने आप माइंडसेट भी करना और उसको को भी कंट्रोल करना, ये छोटी बात नहीं है। और बच्चे ने ये उपलब्धि हासिल की और एक नहीं 3-3 गोल्ड मेडल हासिल किए, तो मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, करनाल सांसद की ओर से भी बेटे को, पुनीत जी को और हरीश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जीवन में और ऊंचाइयां जयवीर मक्कड़ छुए, यही मेरी शुभकामनाएं। आनंद साहब, एक चीज मैं पूछना चाह रहा था, अक्सर हम समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से देखते हैं कि जो खिलाड़ी हैं वो डोपिंग का शिकार हो जाते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे खिलाड़ी इस जगह पर ना पहुंचे, डोप टेस्ट में वो अक्सर सभी खिलाड़ी पास हों, ऐसी हमारी भी कामना है, खिलाड़ी नशे से दूर रहें। इसके अलावा खिलाड़ी को अपनी गेम को बेहतर बनाने के लिए अपने खान पान और अपने शरीर का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे खिलाड़ी हमारे करनाल से पहले ही बहुत निकल चुके हैं, आगे भी निकलेंगे, आप समाज से और खिलाड़ी से क्या अपील करना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल आपका ये प्रश्न बिल्कुल सही है, क्योंकि जाने अनजाने में कई बार क्या होता है कि जब किसी चीज़ की लैक ऑफ नॉलेज होती है, उसकी वजह से नहीं पता लगता, तो बच्चे का खान पान इस तरह से हो जाता है, कुछ प्रतिबंधित दवाएँ होती हैं लेकिन वो डोपिंग के अंदर आ जाती हैं। तो मुझे आशा है पढ़ा लिखा परिवार है और जो इनके फादर हैं वो काफ़ी इसमें इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो वो जो डाइट है बच्चे की, या जो उसमें जो फूड है उसमें, या जो इस प्रैक्टिस के दौरान ली जाने वाले सप्लीमेंट्स हैं, उनको देख करके ही और अपने कोचेज़ के साथ, उनकी अंडर गार्जियन के अंदर वो लोग अपना इनको सारी वो फूड सप्लीमेंट्स देंगे, ताकि डोपिंग के अंदर किस प्रकार का, क्योंकि कई मैंने बताया कि कुछ जाने में कुछ अनजाने में, तो नशे से दूर रहे वो ज़्यादा अच्छा है, और इस प्रकार की डोपिंग के अंदर जो प्रतिबंधित दवाएं हैं वो सेवन ना हो, उनके लिए भी इनका परिवार या इनके जो कोचेज हैं वो इसके ऊपर विशेष ध्यान कर रहे हैं, और मैं आशा करता हूं कि भाई इन सब बाधाओं को दूर करते हुए बच्चा और आगे तक देश का नाम रोशन करेगा, अपने प्रदेश का नाम रोशन करेगा, करनाल का नाम रोशन करेगा। देखिए, ये थे हमारे साथ भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जब इनको सूचना मिली कि करनाल के एक बेटे ने देश का नाम रोशन कर दिया, तो वह उसके सम्मान के लिए यहाँ पर आए हैं। करनाल शहर के कई मौजूद व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा उन्होंने विशेष तौर पर जानकारी दी कि बच्चे को आगे बढ़ाने में माता पिता के साथ साथ पूरे समाज का सहयोग रहता है। जिस तरह की गेम इस बच्चे ने चुनी है, उसके लिए दिमागी तौर पर भी शक्तिशाली होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जानवर के ऊपर बैठना, हालांकि जानवर के बारे में बताया गया, घोड़े के बारे में बताया कि वो ट्रेंड होते हैं, लेकिन बावजूद इसके घोड़ा कभी कभार बेकाबू हो जाता है। जयवीर ने जैसे हमें पहले बताया कि वह एक दो बार ऐसे हादसों का शिकार हो चुके हैं, उन्हें चोटिल भी हुए, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी हार नहीं मानी और अपनी प्रैक्टिस को चालू रखा। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन सन्नी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए, धन्यवाद।
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.